क्या आपको ब्लड प्रेशर के संबंधी अलग अलग तकलीफें हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है या फिर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम रहता है, या फिर आपको पूरा दिन लेजीनेस महसूस होती है, आपको पूरा दिन नींद आती रहती है, और अगर आप यह सभी तकलीफों का इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी एक मुद्रा सिखाने वालों के जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। मुद्रा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जिनका अगर आप पूरे विश्वास और दृढ़ लगन के साथ अभ्यास करते हो तो गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। छोटी छोटी बीमारियों में तुरंत रिजल्ट मिलता है, और जो पुरानी और जो गंभीर बीमारी होती है इसमें रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उस वक्त हमें सब्र रखने की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी एक मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। यह मुद्रा का नाम है व्यान मुद्रा। यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर के अंदर व्यान वायु को नियंत्रित कर सकते हो। व्यान वायु हमारे शरीर के हर एक कोष तक ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है, इसलिए यह वायु हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह वायु की वजह से ही हम पूरा दिन ऊर्जावान रहते हैं, पर यह वायु की गति को नियंत्रित करना काफ़ी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है वह हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो पहले जान लेते कि यह मुद्रा को हमें बनाना किस तरीके से है। यह मुद्रा को बनाने के लिए हमें हाथ की हथेली को आसमान की ओर रखना है। इनके बाद मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की टिप को हमारे थंब के टिप के साथ जोड़ देना है, बाकी की दोनों फिंगर को हमें सीधा ही रखना है। तो इस तरीके से हमें व्यान मुद्रा अब बनानी है। दूसरे हाथ में भी हमें यह मुद्रा बना लेनी है। हाथ की हथेली को आसमान की ओर रखना है, इनके बाद मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की टिप को थंब के टिप के साथ जोड़ देना है, बाकी की दोनों फिंगर को हमें सीधा ही रखना है। तो इस तरीके से दोनों हाथ पर हमें यह व्यान मुद्रा बना लेनी है। यह मुद्रा का अभ्यास आप कोई भी जगह पर किसी भी वक्त कर सकते हो, बैठ के, लेट के, खड़े होके, चलते चलते, टीवी देखते हुए, म्यूजिक सुनते हुए भी इनका अभ्यास कर सकते हो। पर अगर आप कोई भी एक योगिक आसन, वज्रासन, सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ के यह मुद्रा का अभ्यास करते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यह मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको कोई भी एक कंफर्टेबल पोजिशन में आ जाना है। इनके बाद दोनों हाथ की हथेली को आमने सामने रफ करना है। इनके बाद दोनों हाथ को घुटने पर या फिर थाई पर रख देना है। हाथ की हथेली आसमान की ओर रहेगी। इनके बाद फिर मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की टिप को हमारे थंब के टिप के साथ जोड़ देना है, बाकी की दोनों फिंगर को हमें सीधा ही रखना है। इस तरीके से दोनों हाथ पर हमें यह मुद्रा बना लेनी है। स्पाइन को सीधा रखना है, आंखें बंद कर देनी है, पूरा फोकस आपको अपने ब्रीदिंग के ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से हमें यह मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यह मुद्रा का अभ्यास हमें 45 मिनट के लिए करना है। एक साथ कर सकते हो, पर अगर एक साथ टाइम नहीं निकाल पाते हो तो दिन में 3 बार 15-15 मिनट के लिए भी करके फायदा ले सकते हो। अभी जान लेते कि यह मुद्रा काम किस तरीके से करती है। हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व में इम्बैलेंस आता है तो इनकी वजह से फिर हमारे शरीर में अलग अलग रोग पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह मुद्रा थेरापी करके आप यह 5 तत्वों में बैलेंस स्थापित कर सकते हो, क्योंकि यह 5 तत्व हमारे हाथ में होते हैं। यहाँ पर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व होता है। तो यहाँ पर हमारी जो यह मुद्रा है इसमें हमारा आकाश और वायु तत्व अग्नि तत्व के साथ जुड़ता है। यहाँ पर आकाश और वायु तत्व मिलके हमारा व्यान वायु बनाता है। हमारे शरीर में 5 मुख्य वायु होते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। इसमें पहला वायु है उड़ान वायु, जो कि यहाँ पर होता है, वह हमारे गले को और हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। इनकी एनर्जी का जो फ्लो होता है वह ऊपर की डायरेक्शन में होता है। इनके बाद का दूसरा वायु है
प्राण वायु इनकी एनर्जी का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में होता है, वह यहाँ पर होता है, वह हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और यह वायु की वजह से हम जो भी खाना खाते हैं वह नीचे की डायरेक्शन में जाता है। इनके बाद का तीसरा वायु है समान वायु, जो कि यहाँ पर होता है, वह हमारे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। इनके बाद का फोर्थ वायु है अपान वायु, जो कि यहाँ पर होता है, हमारे शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनती है इनको शरीर से बाहर निकलने का काम यह वायु करता है। इनके बाद का आखिरी वायु है व्यान वायु, हमारे शरीर में हर एक कोष तक ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ऊर्जा को पहुंचाने का काम यह व्यान वायु करता है। यह व्यान वायु हमारे शरीर में सभी आर्टरीज, वेंस और जो लिम्फेटिक चैनल्स होती है वहां पर होता है। यह व्यान वायु की गति हमारे लिए काफी मायने रखती है। अगर यह व्यान वायु की गति हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इनकी वजह से जो रुधिर कोशिका की दीवार होती है इनके ऊपर दबाव आता है, फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर यह व्यान वायु की गति हद से ज्यादा कम हो जाती है, फिर जो रुधिर कोशिका की दीवार होती है इनके ऊपर दबाव कम होता है, फिर हमारा ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो यहां पर यह व्यान वायु की गति को नियंत्रित करना काफी जरूरी होता है। तो यहां पर यह व्यान मुद्रा को करके आप यह व्यान वायु की गति को नियंत्रित करके आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हो। पर यहां पर आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है कि आपको ब्लड प्रेशर की कोई भी दवाई को बंद नहीं करना है, आपको फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर मेजर करना है और फिर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपको दवाई का डोज कम करना है। तो यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आप यह व्यान मुद्रा करके शरीर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हो। इनके लिए आपको 45 मिनट के लिए व्यान मुद्रा का अभ्यास करना है, इनके तुरंत बाद आपको 15 मिनट के लिए प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। प्राण मुद्रा हमें इस तरीके से बनानी होती है, यानी कि हमारी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर की टिप को हमारे थंब के टिप के साथ जोड़ना होता है। तो यह बन गई हमारी प्राण मुद्रा। इनके लिए हमने डिटेल इंफॉर्मेशन वाला वीडियो ऑलरेडी बनाया, तो ऊपर जो आई बटन है इनको क्लिक करके वह वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हो। इनके अलावा अगर आपके शरीर में काफी ज्यादा आपको लेजीनेस महसूस होती है, पूरा दिन आपको नींद आती रहती है, तो यह मुद्रा को करके आप अपने पूरे शरीर को ऊर्जा से भर के उत्साहित बना सकते हो। इनके अलावा यह मुद्रा करके आप अपने ब्रेन को एक्टिव और अलर्ट बना सकते हो, फिर आपके ब्रेन के अंदर नए नए विचार और आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। इनके अलावा यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर में भी काफ़ी गर्मी महसूस होती है तो यह मुद्रा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। व्यान वायु हमारे शरीर के सभी ऑर्गन को नियंत्रित करता है, इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन का फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, यानी कि बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो यह सभी तकलीफों में आप यह मुद्रा करके फायदा ले सकते हो। इनके अलावा यह मुद्रा करके आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि व्यान वायु हमारे शरीर का जो बाहरी स्किन का लेयर होता है इनके हर एक कोष तक ऊर्जा, ब्लड, प्राण वायु को पहुंचाता है और हमारा स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा इम्यूनिटी प्रदान करने वाला ऑर्गन माना जाता है। यह स्किन बाहर के कीटाणु को हमारे शरीर के अंदर नहीं घुसने देता, फिर हमारा शरीर डिसीज फ्री रहता है। तो इस तरीके से इतने सारे बेनिफिट्स आप यह एक मुद्रा को करके ले सकते हो। तो आज से यह मुद्रा को करना शुरू कर दीजिए। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।